अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यूज़ अपडेट आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू, स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्मोक स्क्रीन्स मीन्स अ क्लाउड ऑफ स्मोक, यानी स्मोक स्क्रीन का मतलब है एक धुएँ का बादल। प्रोड्यूस्ड पैदा करे फॉर के लिए हेडिंग्स, छुपी हुई प्लेस जगह और एक्टिविटीज़ काम फ्राम दी साइट्स ऑफ एनिमीज, दुश्मन की नज़र से। इट इज़ अ मीन्स, इसका मतलब है मिस गाइडिंग्स। मिस गाइडिंग इसका मतलब है दी एनिमीज आर दुश्मन आर कंसीलिंग्स वन रियल ओपिनियन, या कंसीलिंग कर रहा है एक हकीकी राय को। The dramatist wants to show, dramatist दिखाना चाहता है how के से the outward appearance, बैरूनी of a person, एक शख्स की may belly his inner reality, उसकी अंदरूनी हकीकत। The peoples are not, नहीं है what this seems, एक जैसा कि as their outward appearance, उसकी बाहर की शख्सियत, as service as a smoke screen to hide, जिस तरह उसकी स्मोक स्क्रीन को हाइड करता है। देर उनकी रियल हकीकी मोटिव्स, तहरीक्स एंड फीलिंग्स और उनकी एहसास। दी हैंडसम्स हस्बैंड्स ऑफ लूसी, हसन लव्स लूसी टू बी अ मैंस ऑफ डिटेस्टेबल पर्सनैलिटी, उसकी जो ज़ाहरी शक्ल थी वो डिटेस्टेबल शख्सियत थी। एंड शी इज़ फोर्स्ड टू डिवोर्स, जो उसको तलाक देने पर मजबूर किया या होता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ दी रिपल्सिव, नफरत अंगेज कम्प्लेक्शन, काबिल नफरत ऑफ द वुड भी होगा हस्बैंड्स ऑफ प्राइमरोज, हस्बैंड्स ऑफ प्राइमरोज इज स्मोक सिगरेट, वो स्मोक सिगरेट टू हिज स्वीट नेचर और कुदरती और मीठी नेचर, यानी कुदरत का। दैट के इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस्ड विद दिस ये मॉडर्न गर्ल एंड फोर्स हर टू गेट मैरिज विद हिम, और इस फोर्स और इसकी शिद्दत की वजह से इन्होंने एक दूसरे से शादी करने का इरादा किया। सिमिलरली, इसी तरह प्राइम रोज अपीयर्स, दिखाती है टू बी रड एंड इरेस्पॉन्सिबल गर्ल, के वो गुस्ताखाना और इरेस्पॉन्सिबल लड़की है, यानी गैर जिम्मेदार है। बट लेकिन शी प्रूव्स टू बी, लेकिन उसने साबित किया टू बी अ सेंसेबल, वो शऊर है, शऊरी औरत है। एंड ओ गुड नेचर गर्ल्स, और अच्छी नेचर पर एक लड़की है। हुज लर्न्स, वो लर्न्स कर दिया लेसन्स फ्रॉम द अनसक्सेसफुल मैरिज ऑफ हर मदर्स, उसने अपनी अम्मी की जो अनसक्सेसफुल मैरिज है, यानी मुकम्मल जो मैरिज है उसको उसने पढ़ा, और उसके बाद उसने फैसला किया कि किस तरह ज़िंदगी को गुजारा जा सके। एंड मेक्स अ जुडिशियस चॉइस ऑफ हर फ्यूचर कंपेनियन ऑफ लाइफ, और उसने सोचा कि इस तरह अपने कंपेनियन यानी शादी के लिए जो शख्स मुंतखब किया वो इस तरह कर। सूजन्स थिंक्स, ख्याल करती है दैट के हर सिस्टर्स लूसी हैज़ फील्ड टू ब्रिंग अप, के उसकी जो सिस्टर है लूसी वो इसकी देखभाल करने में नाकाम हुई है। डॉटर्स ऑन हर प्रॉपर लाइन्स और प्रॉपर तौर पर, एंड स्पॉइल्ड हर बाई गिविंग्स हर अनब्रिंडलेड लिबर्टी, और उसने अपनी बेटी को बेजा इख्तियार दे रखे हैं। बट लेकिन द स्टोरी शोज, स्टोरी दिखाती है दैट के लूसी इज़ अ वाइज मदर, लूसी एक अकलमंद औरत है। बट हु डज नॉट लाइक, वो नहीं पसंद कर रही टू बी डिक्टेटर फॉर हर यंग डॉटर्स, वो अपनी बेटी पर हुक्मराना तरीका नहीं इख्तियार करती। एंड शोज दिखाती है डू रिगर्ट बेखाल टू इंजॉय एंड डिज़ायर ऑफ प्राइम रोज टू, वो उसको दिखाती है कि प्राइम रोज डिज़ायर ख्वाहिशात और अपनी खुशी को इंजॉय करे। सुजन अपीयर दिखाई देती है टू बी अ हैप्पी खुश एंड सक्सेसफुल वुमेंस, और कामयाब औरत दिखाई देती है। हु इज़ फुली सेटिस्फाई, के वो मुकम्मल तस्कीन करती है विद हर कॉपरेशन हस्बैंड्स, अपने कॉपरेशन यानी अपने एंड अबॉइड और बिड्स सन्स और अपने फर्मबरदार बेटों की। बट लेकिन हर कन्वर्सेशन, उसकी कन्वर्सेशन शोज दैट, दिखाती है दैट शी इज़ के वो है नैरो माइंडेड वूमेंस, वो एंड हु गिव्स अननेसेसरी, वो गैर ज़रूरी इंपॉर्टेंस अहमियत देती है टू हर ओन आइडियाज़, वो अपने
आइडियाज़ अपने ख्याल को गैर ज़रूरी अहमियत देती है और कैन नॉट अप्रीशिएट्स और अप्रीशिएट्स सराह नहीं करती अदर अप्रीशिएट्स एंड द नीड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की ज़रूरत को वो अप्रीशिएट्स नहीं करती। हर पीसफुल वो पुरमन है एंड कॉन्टेंट लाइफ और कॉन्टेंट लाइफ है इज अ स्मोक स्क्रीन फॉर मेंटल्स बैकवर्डनेस, बैकवर्ड मेंटल्स में इसकी स्मोक स्क्रीन। दस इसी तरह दी ड्रामेटिस्ट वांट्स टू शो दैट, दिखाना चाहता है कि देयर रिकमेंडेशंस रिकॉग्निशंस ऑफ मैन्स डिपेंड्स अपॉन हिज डेवलप्ड माइंड्स, अपने दिमाग से ये कैसे जाहिर होता है, कल्चर एटीट्यूड ऑफ लाइफ और कल्चर रवैया कल्चर सकाफती रवैया ऑफ लाइफ जिंदगी का। हिज ड्रेस कन्वर्सेशंस आउटवर्ड अपीयरेंस सर्व्स एज अ स्मोक स्क्रीन्स स्मोक स्क्रीन्स टू हाइड हिज रियल इंटेंशंस एंड मोटिव्स। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह के वो लूसी जो है वो किस तरह अपने ख़ानदान में अच्छी निकली और सूजन किस तरह निकली। इस तरह साबित हुआ कि नैरो माइंडेड होना भी बहुत बड़ी बीमारी है और खुले दिमाग की जैसे कि लूसी है और प्राइम रोज है इस तरह के प्रोग्राम प्ले में बहुत अच्छा करदार साबित हुआ कि यंग जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस वीडियो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।